है कि हमारे समाज के लोग दूसरे धर्म की ओर चले जाते हैं, दूसरे समाज के लोग ट्राइबल बनना चाह रहे हैं कि जिला से थोड़ा गांव में जाऊं, गांव में जाकर के लोगों के बीच में रहूं और कुछ बोलूं। और बोलने से क्या होता है कि आप सब एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में हूँ, रात के 11:30 आया, सुबह 6:30 मैदान में कलेक्टर SP साहब के साथ, इसलिए कि मेरे विभाग का काम था। प्रदेश में अग्निवीर सेना की भर्ती हो रही है, अभी 450 युवा युवती वहाँ मैदान में थे, कलेक्टर साहब भी था, जिला पंचायत CEO भी थे, मैं भी था, मेरे को वहाँ रहना जरूरी था, इसलिए कि मेरे समाज के लोग हैं और मैं रहूं तो ज़्यादा प्रेरित होंगे, ये मेरी कोशिश रहती है। और यही कारण है पिछले साल हम लोग कोंडागांव जिला में 258 लोगों को हम लोग सेना में भर्ती करने के लिए कामयाब रहे। बड़ी खुशी होती है मेरे को। और इस साल मैं कोशिश करता हूं कि हजारों करीब आ जाएं तो मेरा वो नाम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 साल से करीब हूं तो मुझे लगता है कि सब वही नेताम मरकाम को राम है ना सोरी, यही हमारे लोग हैं, ट्राइबल ही लोग हैं, या नॉन ट्राइबल भी हैं तो ट्राइबल ही कल्चरल में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। हमारा भी अलाउंसर भाई साहब कह रहे थे कि ये अपना उड़ान कीड़ा प्रतियोगिता है, जिनका जो काम है पूरा संभाग में अन्य जिलों में, वो क्या शिक्षा का काम से है या वृक्षारोपण से संबंधित है। मैं बड़ा खुश हो गया तो पर भागे भागे आ गया। पहले वक्त नेताम जी जो कह रहे थे, मैं बहुत काफी प्रभावित हुई, इस मंच के माध्यम से उद्बोधन कर रहे हैं सारे लोगों का। उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा, संविधान के सारे व्याख्या कर दी, और उसी के कारण हम इस मंच, खास करके तो मैं आदिवासी होने पर मुझे गर्व होता है, शायद आदिवासी नहीं होता तो मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता, सरकारी नौकरी मिलती भी नहीं, और नहीं मिलती तो मैं बोल भी नहीं पाता, कह भी नहीं पाता। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों के, मेरी पृष्ठभूमि, मैं भी बस्तरिया ही हूँ कांकेर जिले से संबंधित, मेरी पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है जैसे सोच रहे हो ना, गोरा नारा दिख रहा है, बोल रहा है, हिंदी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोगों को पता है कि मैं बहुत नीचे घर से आया हूँ, नीचे जो उस समय अंगेठा दिया जला करके घर चलते थे, लेबर का काम करते थे, मऊहा बीनते थे, टोरी बीनते थे, पत्ता तोड़ते थे, सेम ये गांव के लोग वैसी टाइप का। लेकिन हॉस्टल एक मेरे को यहाँ पे ले आई, हॉस्टल में रह करके मैं यहाँ इस मुकाम में आया, उसमें 5-7 मैं नौकरी छोड़ा, 5-7 नौकरी छोड़ा, मैं एक बाबू भी था, एक एडिटर भी था, स्टेटिकल अफसर भी था, वीडियो भी था, कोर साहब भी था, IAS के लिए 2-2 बार चयन हुआ, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन 6-7 विभाग में काम करने का अवसर मिला। और इसलिए मिला कि मैं गरीब था, गरीबों में जुनून होती है, मेरे घर में ना तो मेरे बाप थे पढ़े लिखे थे ना मेरे माँ बाप थे, लेकिन जिस दिन से मैं आया गांव का आदमी ना, वहाँ क्या बोल रोड थी ना, बिजली थे ना, कुछ नहीं थे, आप समझ सकते हो, एकलव्य वो भी तो आदिवासी है ना, जो आदमी जितना अभाव से गुजारेगा उसमें जुनून आता है, इसको मैं करके बताऊंगा, इससे मैं कर ही लूंगा, ये मेरी भावना थी। और उसके लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी वो हॉस्टल, और हॉस्टल नहीं रहता तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, और हॉस्टल में ही रह करके सीनियरों को देख करके और बड़े लोगों को देख करके इस टाइप के कार्यक्रम होते रहते हैं, उन्हें देख करके सुन करके समझ करके अपना रास्ता मैं तय किया, और तय करने के बाद मुझे ये सारी चीज मिली, और वो तब भी प्यास नहीं मिटी। मैं 4 MA में MCOM LLB LLM मुझे करने का अवसर मिला, आखिर में रहा तो LLB किया, रायपुर में गया तो मेरे को LLM करने का मौका मिला, और सरकार के 15 साल मैं महत्वपूर्ण पदों में रहा जहां नीति नियम बनते थे वहां। लेकिन सरकार बदली पिछले समय तो मुझे यहां ट्रांसफर कर दिया गया, चूंकि रायपुर से कोंडागांव वो मेरे ही घर ही है समझ जाइए, चूंकि मैं जगदलपुर में था तो घर ही है, मेरे काफी साथी लोग हैं, मेरे मित्र मंडल हैं, मेरे पढ़ाए लोग हैं,
वो यहाँ नौकरी करते हैं, कभी पैर छू लेते हैं, कभी नमस्ते कर लेते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि मेरे मित्र मंडल हैं, मेरे घर के हैं, परिवार के हैं, तो इस टाइप का ही हुआ। मेरे मित्रों, अभी हमारे नेताम जी बोल रहे थे, संविधान की बात कह रहे थे, हमारे वक्ता ये भी बोल रहे, दिल्ली में हमारे साथ फोटो खिंचा रहे थे, है ना। मैं कल रायपुर में था, गुंडा दूर का कल उसका शहादत दिवस के हम लोग दुर्गावती उसमें मल्यार्पण अर्पण कर रहे थे, तो रायपुर में बहुत सारे इसी जुनून के लोग हैं जैसे आप और हम हैं वैसी, तो वहाँ इसी बात की चर्चा हो रही थी और मैं कूद कूद के चिल्ला रहा था, तुम लोग आज शासकीय सेवा में हो, बस्तर के बदौलत हो, तुम लोगों की पहचान तो है ही नहीं है, मांदरी हुल की रेला वो संस्कृति आप जानते ही नहीं हो। अब जब रोटी बेटी की बात आती है तो बोलते हो मैं ये गुण हूँ तो वो गुण हूँ तो ध्रुव गुण हूँ तो अमात्य गुण हूँ तो राज गुण, कुछ नहीं है बड़े भैया, वो भारत के संविधान में सिर्फ गुण लिखाया हुआ है, 15 प्रकार के क्लासिफिकेशन आप मत करिए। यदि आप इस टाइप के करते हैं तो आदिवासी नहीं है आप, सामान्य में से ट्रीट हो जाएंगे। कभी कभी दुख होता है कि हमारे समाज के लोग दूसरे धर्म की ओर चले जाते हैं, दूसरे समाज के लोग ट्राइबल बनना चाह रहे हैं, लाइन लगी हुई है, जिस दिन वो बैरियर को खत्म कर दे ना तो वो तो सबके सब आदिवासी बनना पसंद करेंगे। और हमारे समाज के लोग क्या है, आदिवासियों के जो बंधन है उसको कूद के चले जा रहे हैं। मैं इस चीज को बड़ा मुझे दुख होती है, पीएससी में बहुत सारे अफसर हैं, अफसर महिलाएं हुई लड़की हुई, हम लोग चिंतित हुआ करते हैं कि ये जो शासकीय सेवा में आने के बाद डिप्टी कलेक्टर डीएसपी सिविल जज बहुत सारे बन जाते हैं, उनके बाद उनके जो सोचने के नजरिया है वो बदलता है, वो इसलिए बदलता है कि हमको सुंदर लड़का चाहिए। भैया आदिवासी होने के लिए टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा खोपड़ा काला पीला बौना ऐसे है इसलिए तो आदिवासी है, नहीं तो काहे का आदिवासी होते, इसलिए तुमको आरक्षण मिला है, तुमको तुम्हारी तुमको वो पद मिल गया तो उस समाज से आप बाहर जा रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं नियम कानून बदलवा दूंगा, जो महिलाएं अपने समाज से शादी हुआ नहीं करेंगे उच्च पद में रह करके दूसरे समाज में से करेंगे तो वो उनको वो पद की वो जो सुविधा मिलती है उसको बाहर कर दिया जाए, ऐसा टाइप के हम लोग नियम लाने के लिए सोच रहे हैं। मैं अभी नया मुख्यमंत्री जी शपथ लिए तो हमारे नया एमएलए साहब लोग थे, बस्तर के 4-5 विधायक थे, मेरे खोपड़ी में उपज आई, मतलब इस बात की कि स्थानीय भर्ती हमारे बदौलत आप लोग नौकरी कर रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग, हम हमारे बेटी बेटा हमारे साथियों को पुलिस नहीं बनवा पाएंगे, गुरुजी नहीं बना पाएंगे, बिजली मिस्त्री नहीं बना पाएंगे, कारपेंटर नहीं बनाएंगे, प्लेन एरिया से आदमी आएंगे 2-3 साल नौकरी करे फिर रायपुर बिलासपुर चले जाएंगे तो यहाँ के आदमी तो ज्यों को त्यों रह गया, बताइए ना। तो ये मेरा कहना था कि स्थानीय भर्ती हो, भर्ती करिए, लेकिन स्थानीय भर्ती हो, स्थानीय भर्ती बस्तर संभाग के जो आवेदक हैं, जो उस काबिल रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट में लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ही ब्रीफ कर रहा था, केशकाल विधायक पवन तुम बोलो, लता जी बोल रहे थे पवन भैया तुम करिए, मैं ठीक है मैं बोल दूंगा कह दूंगा, लेकिन कानूनी बात यह है हमारे बच्चे लोगों को वो सुविधा नहीं मिलेगी, हम रेला मांदरी हुल की इस टाइप के वो धूप में छांव में बरसात में नाच गाना करके संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, उसको बचाव कर रहे हैं, और लोग अपने आप में यहाँ के हक मार के चले जाए तो गलत बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरे जन प्रतिनिधि को इस बात को हमेशा लगातार आवाज उठाते रहता हूँ, आप इस चीज को करिए। अभी हम मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता, बात इस बात की होती है, दुख इस बात की होती है कि यहाँ के अधिकारों यहाँ के लोगों के अधिकार छीना जा रहा है, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, वही ना जंगल जो सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ है, उनको रोजगार का अवसर में आप जोड़िए, उसको सरकार के नीति नियम से जोड़िए, उसे सरकार की योजनाओं से लाभ दे दीजिए तो कहाँ जाएगा हमारा समाज, हमारा समाज हमारे बीच में रह करके काफी गौरवान्वित होंगे। अभी हमारे उद्घोषक साथी बोल रहे थे कि दिल्ली गया तो मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे सारे लोग, हम परेशान हो गए, ये जो संस्कृति है ना, इस संस्कृति पे हमको काफी गर्व होता है,
मैं भी घोड़ा ना रहा हूँ गांव में जा करके कुल की माधुरी पकड़े मैं भी नाचने गाने में लाया जाता हूँ। शादी विवाह संस्कृति इसमें मुझे काफी गर्व होता है। और भगवान की दया दुआ से हमारे गांव बहुत छोटा गांव था, जब से मैं अधिकारी बना तो मैं प्यून का उपयोग कभी नहीं कर पाया। प्यून का मतलब भृत्य का चपरासी का। मैं गांव के बच्चे लोगों कभी भी 5-7 बच्चे, एक तो कलेक्टर बन गया वेस्ट बंगाल में, कलेक्टर डायरेक्ट। उसमें कोरबा का है, लोगों ने कहा पवन काफी दानी आदमी है, इनको पढ़ा दो। गौड़ समाज के थे सुरेश कुमार जगत जी, तो बोले आप इंजीनियरिंग करके दिल्ली में उनको पढ़ाई करनी थी थोड़ी सी, उनको मेरे को मेहनत करना था। मेरे साथ ही बोल रहे थे, मंत्री का ओएसडी था, कुछ कुछ उनको अपन हेल्प करते थे। जब वो बन के आया आईएएस होकर के आए तो उनके मम्मी पापा आए, मैं मेरे मंत्री जी को बोला मंत्री जी ये देखिए आपके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन से आईएएस बन गया आपका समाज का। आज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में कलेक्टर है। कभी कभी वो बोलते रहते हैं कि सर आप कब चुनाव लड़ोगे। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूँ, मैं समाज में जा करके मेरी वो जो अनुभव को बताने बुलाने का वो मुझे जो है वो बताता हूँ। वो कुछ ना कुछ एक दो तो पकड़ लेंगे, ऐसे थोड़ी कि सब लोग होंगे। अभी मैं सुबह से आया, सुबह से आने के बाद उठा 6:30 बजे, बच्चे लोग उठाए अग्निवीर के लिए मुझे जाना था। मुझे ये है कि यहाँ के लोगों में दौड़ाने कूदने भागने में इतने माहिर है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम अंग्रेजी और गणित में हमारे बच्चों को स्मार्ट नहीं बना पाए, जिसके कारण उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तब मैं उन कलेक्टर साहब बोले कि इनके लिए नेताम साहब आप व्यवस्था कर। बिल्कुल मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक आदमी को थोड़ा सा आगे पुश करके देखोगे ना उनकी जिंदगी बन जाती है ना, तो यहाँ गर्व होता है कि इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ नहीं है। तो इस टाइप का रहा। आज मैं काफी, मेरे गाँव नीचे टाई लगती थी मतलब लगोट पहनते थे, आज ऊपर टाई पहनते हैं, लेकिन हमारे कल्चर को बराबर हम लोग मेंटेन करते हैं। शादी विवाह मरनी करनी संस्कृति इस टाइप के, और इस बात के मुझे काफी गर्व होता है आप लोगों के सहयोग से। मैं चाहूंगा कि ये जो भी कर लें जैसा भी कर लें, शिक्षा ही अस्त्र है, शिक्षा ही शस्त्र है। आप जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। अभी मेरी बहन जी आई थी, एमए हिंदी में हूँ करके अपना परिचय दे रही थी, मुझे पीछे से मैं अवलोकन कर रहा है हिंदी एमए बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। पता नहीं बहन जी को टेट या बीएड करने के लिए घर में हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है उनको पास ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है वो भी नौकरी करना चाहती है। सवाल है कि समय के साथ वो जो नौकरी के मापदंड है वो बदले हुए हैं। जब बदले हुए हैं तो हो सकता है उसमें हम लोग फिट नहीं बैठ पा रहे होंगे। जब नहीं बैठ पा रहे होंगे तो मैं समझता हूँ गांव की बात को कि हमारे पास एंड टाइम ना तो पैसे रहते हैं ना साधन रहते हैं ना हमको हेल्प करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे हमारा संस्कृति बहुत समृद्ध है, लेकिन हम लोग उसमें से हमारे जेब में कहीं ना कहीं कमी पाती है, तो एट ए टाइम हम लोग उसको मदद नहीं कर पाते। ये इस टाइप के मैं महसूस करता हूँ मेरे समाज में। लेकिन यदि ऐसी कोई बात आती है आपके घर में परिवार में कहीं उच्च लेवल में, मैं कुछ दिन यहाँ कोना गांव रहूंगा, पुनः रायपुर जाने के प्रयास होगी, मैं रायपुर शायद चले जाऊंगा। तो नेताम साहब करके तो सुकमा कोंटा बीजापुर के लोग सब जुड़ जाते हैं। अभी आए तो बोले जगदलपुर में थे साहब, बोले कलर नहीं बदला, हाइट भी नहीं बदली, हमारे रानना के साथी थे, बोले नेताम साहब जानते हैं, बोले तो मैं रानना के दामाद हो रहा हूँ, बोले तो हंस रहे थे, है ना। तो इस टाइप की बातें याद रहती हैं आप हमारे बीच में। मैं शायद ज्यादा बोल दिया, ज्यादा कह दिया, लेकिन इसी कहने बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे समाज के लोग, यथा समाज है, बड़ा समाज है, उस समाज में हमको कैसे करना, अपने बीच में कंपटीशन है। ये पहला प्रयास नहीं है शामपुर के लिए, अभी रायपुर में भी गौड़ समाज का परिचय सम्मेलन हो रहे थे। ये था से मैं भी वहां पहुंच गया क्योंकि थका हुआ था, लेकिन मुझे दर्द है यार मेरे समाज के लोग वहाँ परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, पूरा प्रदेश भर के लोग हैं, और मैं सोया रहूं ये तो मेरे को गवारेगा नहीं। फिर मैं चला गया, चले जाने के बाद लोगों को पता लग गया नेताम साहब आए करके, बहुत सारे लोग थे, वो भी समस्या युवा युवती का विवाह की समस्या वो हर जगह है। कई लोग अत्यधिक पढ़े लिखे होने के कारण वो छोटे तरफ ध्यान नहीं देते, कई छोटे लोग ज्यादा पढ़े लिखे करके उधर ध्यान देना चाह रहा था, रोजगार करने में ज्यादा वो नहीं है ना। लेकिन पूर्व कलेक्टर ने 7-8 विभाग मेरे को दे के चले गए हैं, वो ये
कि गारमेंट फैक्ट्री महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, तो ज्यादा हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो सीख लेंगे तो अधिकतम 8.5 तक मिल रहा है महीना, वही हॉस्टल भी है, और 355 महिलाएं वहां काम कर रही हैं। गारमेंट फैक्ट्री में चड्डी बनियान बन रहे हैं, वो अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या है ना, डीसी कंपनी का जो कलकत्ता भेज रहे हैं सीएम और चीफ सेक्रेटरी, या नहीं तो कलेक्टर साहब के हाथों से ट्रक में भेजकर, एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा, हमारी बच्चियां अभी आई थी, वो लड़की कहाँ गई, वो तो कांकेर हॉस्टल में रही होगी, नहीं कोंडागांव हॉस्टल में होगी, तो हॉस्टल में रहते रहते वहाँ कोचिंग की सुविधा हम लोग बिलासपुर से करेंगे। तीसरा मंजिल जो बिल्डिंग है ना लाइब्रेरी, उसका लाइब्रेरी का, वो मेरे ही चार्ज में है, तो वहाँ निःशुल्क एक तो लाइब्रेरी का लाभ ले लें आगे बढ़ने के लिए, दूसरा ऊपर में कोचिंग सेंटर है, तीसरा किसी को उद्योगपति बनना है उसके लिए आ जाए, समाज में क्षेत्र में जो भी बेरोजगार हुआ युवती है वो चाहता है कि मैं स्टार्टअप में कुछ महुआ का लड्डू बनाना चाहूंगा चाहूंगी, या नहीं तो टोरा का कुछ और बनाना चाहूंगी, तो उद्योग लगाना चाहती हूँ, तो मैं हूं ना, आप आ जाइए, पहले समझ जाइए, आप निश्चित कर सकते हैं, सब कर लेंगे, थोड़ा आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए नीचे में लाइब्रेरी है, कोचिंग करिए, बीच में ऊपर में ट्रेनिंग संस्था लगेगा उसमें चले जाएंगे, इनक्यूबेशन सेंटर उद्योगपति का इस टाइप का उस करिए, और जो महिलाएं हैं कपड़ा वपड़ा सिलना चाहती हैं गारमेंट फैक्ट्री में, गांव में एकदम फालतू पड़े हुए हैं, दो पैसा है नहीं, क्योंकि कोंडा गांव में 4,000-5,000 से ऊपर का रोजी रोटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप गारमेंट फैक्ट्री में मेरे पास सीधे आ जाइए, फोन सर कहाँ रहते हैं करके, ठीक है, तो आ जाइए, मैं वहां सेटल कर दूंगा, वहां रहने का खाने का सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आपको काम करना है भैया। वो आते हैं मेरे पास, नौकरी दे दो नेताम साहब, ऐसा मैं झाड़ू लगा लूंगी, पोछा लगा लूंगी, बेटा वैसा नहीं है, किसी के पति मर गए हैं, तो वो आके करते रहता, अब कैसा लगा, ठीक लग रहा है सर, तो आपके आंख है हाथ है ना, तो काहे कैसे नौकरी ले दे के मिलती है, वो भी मिलेगी भी नहीं आगे चल के, ठीक है। तो ये मैं विभाग के बात को बताना छोड़ दिया था, अभी माकड़ी फरसगांव में सेना में मैं खूब दौड़ाऊंगा, तो अग्निवीर में आप लोग भर्ती हो जाइए, 10वीं 12वीं वाले, वो 21 साल के पहले वाला नहीं होना चाहिए, और